हेलो फ्रेंड्स दिस इज दीपक सिंह एंड ऑन बिहाफ ऑफ ए क्यू बायस टुडे विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ लाला हरदयाल एंड लॉर्ड हार्ड तो थोड़ा हिस्ट्री भी कंटेक्स में डिस्कस कर लेते हैं बट ऑल्दो हम हिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करते हैं पर ये करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड है क्योंकि किसी ना किसी की बर्थ एनिवर्सरी या कुछ रिलेटेड इवेंट हो जाती है जिसमें कमोमरेट करा जाता है फ्रीडम फाइटर्स को तो अब हम लाला हरदयाल का टॉपिक डिस्कस करते हैं एंड फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट वाई आर वी डिस्कसिंग ही इज द ग्रेट लाला हरदयाल

सो ये जो लाइब्रेरी है इट इज द ओल्डेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी इन डेली एंड इट वॉज स्टार्टेड इन 1862 तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इट इज नेम्ड आफ्टर लाला हरदयाल फ्रीडम फाइटर एंड अर्लियर इट वॉज ऑल्सो नोन एज हार्डेंस लाइब्रेरी नेम्ड आफ्टर लॉर्ड हार्डेंज तो इसी में हम लॉर्ड हार्डेंज के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे हिस्ट्री की भी रिविजन हो जाएगी एंड दिस लाइब्रेरी हैज रेयर कलेक्शन सच एज पर्शियन महाभारत विच वॉज ट्रांसलेटेड बाय अबुल फजल कंपोज इन द कोट ऑफ एम्पर अकबर तो यह आपका कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है मेडाइवल हिस्ट्री या फिर कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से पर्शियन महाभारतलेटेड बाई अबुलजल ड्यूरिंग द रेन ऑफ आपका एम्पर अकबर सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू या फिर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है सो so, विदेक्ट ये हमारी न्यूज थी अब इस बैकग्राउंड में हम डिस्कस करते हैं लाला हरदियाल जी के बारे में सो हिस्स फुल नेम वॉज लाला हरदयाल सिंह माथुर And he lived from 1884 to 1939. 1939 ye the. and he was an Indian revolutionary and freedom fighter. He was a polymath. He was a multi-talented personality who even turned down a career in the Indian civil services. He was appointed for civil services, but then he turned down the offer. He was in, believed in simple living and intellectual companionship, inspired many Indians living in the Canada and the US to fight against British imperialism during the First World War. सो so एक्चुअली इन्होंने काफ़ी लोगों को इंस्पायर करा था अभी मैंने टॉपिक भी डिस्कस करा था एक राम प्रसाद बिस्मिल का उसका वीडियो भी अभी यूट्यूब पे है ऑन द चैनल ऑफ एक क्यू बायस तो उसमें मैंने आपको बताया था कि राम प्रसाद बिस्मिल जो थे हु रोड द पोयम ऑफ सरफरोशी की तमन्ना तो उनको जिनको अज्ञात भी कहा जाता है तो उन्होंने ही वॉज इन्वॉल्व इन काकोरी कॉन्स्पेरेसी एंड मैनपुरी कॉन्स्पेरेसी सो काइंडली हैव अ लुक एट दैट लेक्चर उसको भी मैंने पंद्रह बीस मिनट में बड़े सिंपल तरीके से कवर करा है यूट्यूब के चैनल पे है तो ही ऑल्सो ड्रू इंस्पिशन फ्रॉम लाला हरद्याल सो ही इंस्पायर्ड मेनी फ्रीडम फाइटर्स सो एंड स्पेशली अबाउट द इंडियन डायोस्पोरा जो आपके कैनेडा और यूएस में थे ही वॉज इवन इन्वॉल्व इन द गर कॉन्स्पिरेसी तो ही अगेन वॉज लाइक राम प्रसाद बिस्मिलो इन्फ्लुंस बाय द आइडियाज ऑफ आर्य समाज विच वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती हू इवन ऑथर्ड बुक बाय द नेवाथ प्रकाश एंड ही वॉज एसोसिएटेड विद अदर रेवोल्यूशनरीज हु वर्क फ्रॉम अब्रॉड जैसे कि श्याम कृष्ण वर्मा वीर सरवका सर, सवारकर एंड भिकाजी कामा वीआर सवारकर बाद में इंडिया में भी उन्होंने काफी अपने अपनी एक्टिविटीज अपनी लॉन्च करी थी बट उन्होंने आपका यूके हो गया यूएस कैनेडा यहां से भी अपनी एक्टिविटीज लॉन्च करी थी इन्होंने सो ही वॉज एसोसिएटेड विद ही मूव टू पैरिस पहले इंडिया में बॉर्न हुए थे पर इन्होंने इंडिया में सिविल सर्विसेज को ऑफर छोड़ा और भी काफी चीजें काम करी देन ही मूव टू पैरिस इन एंड जीरोम द एडिटर ऑफ वंदे मातरम लॉन्च बायाजी कामा तो बीका जी कामा ने एक अपना जर्नल लॉन्च करा था बाय द नेम ऑफ वंदे मातरम और वंदे मातरम एंड ही वॉज द लाल हरद्याल वॉज द एडिटर ऑफ दिस वंदे मातर मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स इन इलेवन वेर ही बिकेम इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म तो कलमार्क्स के रिलेटेड भी इन्होंने काफी काम करा है उनकी थ्योरी के ऊपर इन द लिटररी वर्क इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ये एंड ईल्सो सर्व द सेक्रेटरी ऑफ द सैन फ्रांसिस्को ब्रांच ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड अलॉन्ग साइड फ्रिट वॉल्फीम सो ये पूछ सकते हैं यहां पर सेक्रेटरीटरी हु विच इंडियन रेवोल्यूशनरी सर्व से ऑफ द सैन फ्रांसिस्को ब्रांच ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड

तो जो बर्लिन कमेटी के बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे तो पहले ये पेरिस में थे फिर उसके बाद यूएस चले गए देन ही टू बर्लिन इन जर्मनी एंड ही वो प्लेड अ की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द बर्लिन कमेटी एंड ऑल्सो कॉपरेटेड जर्नल जर्मन इंटेलिजेंस ब्यूरो फॉर द ईस्ट तो ये वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे जर्मनी के साथ भी कॉपरेट uh, करा था सो लेट्स टॉक अबाउट बर्लिन कमेटी तो बर्लिन कमेटी फॉर्म करी गई थी अराउंड इसी टाइम पे 1930 फोर्टी के आसपास टाइम पे सो so, बाद में उसका नाम चेंज करके 1915 में उसका नाम चेंज कर दिया गया था एंड इट इट नोन नोन एज इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी बट इज स्टिल बाय इट्स इनिशियल नेम जैसे आपका होता है पहला घर का नाम होता है बर्लिन कमेटी तो उसी नाम से अभी भी इसको नोन रिमेंबर करा जाता है पर इसका ऑफिशियल नाम बाद में चेंज करके इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी सो इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मड इन जर्मनी इन नाइन फोर्टीन में इसका नाम चेंज कर दिया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन बाय इंडियन स्टूडेंट्स एंड पोलिटिकल एक्टिविटिस्ट रिसाइडिंग इन द कंट्री एंड द पर्पज ऑफ द कम्यनिटी वॉज टू प्रमोट द कॉज ऑफ द इंडिया इन इंडिपेंडेंस तो ये भी ट्राई करा गया था कि किसी तरीके से अब जर्मनी वर्ल्ड वॉर वन में इन्वॉल्व थी और दूसरी साइड पर आपका ब्रिटिश था तो ये सोचा था कि दोनों का कॉमन एम है बर्लिन का वैसे यूके को डिफीट करना है तो सोचा कि वाई कांट वी कॉपरेट होता है ना एन एन एमी एन एमीज इज अ फ्रेंड तो हमारा एनईमी भी आपका यूके है आपका एनईबी भी यूके है सो वाई कांट वी कॉपरेट तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे पॉलिटिकल लीडर्स थे

तो इस ड्यूरेशन में यानी कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे दिस वॉज ऑफ द ब्रिटिश राज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन हेल्प ऑफ जर्मनी वैसे हिंदू कहा जाता है तो इसे इट्स नॉट रिलेटेड टू रिलीजन इस कंटेक्स में आपका हिंदुस्तान आ गया ऑफ इंडिया तो इसे हिंदू जर्मन कॉन्स्पेरेसी कहा, तो कहा जाता है अगेन इट्स ऐसा नहीं है कि इसका कोई रिलीजन कॉनोटेशन है इसकी तो हिंदू जर्मन कॉन्स्पेरेसी कहा जाता है एंड दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर वन जिसमें बर्लिन कमेटी ने की रोल प्ले करा था एंड बर्लिन कमेटी वॉज फॉर्म ऑन द बिहाफ ऑफ लाला हरद्याल एंड अदर रेवोल्यूशनरीज तो ये लाला हरद्याल की अभी तक छोटी सी लाइफ हमने अभी डिस्कस करी है एंड उसके बाद फिर उन्होंने और भी एक्टिविटीज थे गदर रेवोल्यूशन में भी उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट करा डेली कॉन्स्पेरेसी में भी करा था वो भी हम डिस्कस करेंगे बट उसके बाद फिर वो रिटायरमेंट ले ली थी उन्होंने एंड देन ही वर्क्स में की वर्क्स जैसे मैंने राम प्रसाद के कंटेक्स में भी बताया था तो लेट्सो सो ही वॉज अ स्कॉलर सो ही रोट वेरियस बुक्स बुक्स के लिए बट द की आर एजुकेशनल प्रॉब्लम सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदू रेस फोर्टी फोर मंथ इन जर्मनी एंड टर्की ल मार्क्स मॉडर्न ऋषि जो मैंने इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म के कंटेक्स में बोला था वो इसलिए बताया था सो दैट यू कैन में लेग कि वाई ही वॉज इंटरेस्टेड इन कॉल मार्क्स सो अकॉर्डिंग टू हिम कॉल मार्क्स ऑल ऋषि ऑफ वर्ल्ड रिलिजन ओके बोधिसत्व डॉक्टर संस्कृत लिटरेचर बोधस्व डॉक्टर इन द बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर एंड हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर सो एज़ यू कैन सी एजुकेशन के कंटेक्स में था साथ में इन्होंने कल्चर और रिलीजन के ऊपर इन्होंने काफी लिखा था हिंदू रेस के बारे में भी इन्होंने लिखा था एजुकेशन के ऊपर भी लिखा था एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन इन द कंटेक्स ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फोर्टी फोर मंथ्स इन जर्मनी एंड टर्की बाद में इन्होंने टर्की भी ट्रैवल करा था और भी बहुत जगह पर ट्रैवल करा था इन्होंने एंड ही लॉन्च सीरीज ऑफ लेक्चर इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री इंस्पायरिंग द रेवल्यूशनरीज बट जैसी गांधी फेस आया तो ही बिकेम डॉर्मेंट तो ये इन्होंने काफी काम करा था बट ही वॉज वर्किंग मेनली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया सो ये लाला हरदयाल के की बुक्स थी इन्होंने एंड एज आई मेन्शन दैट की uh, जो हार्डेंस uh, लाला हरदयाल लाइब्रेरी है आपकी दिल्ली में उससे पहले हार्डिश लाइब्रेरी कहा जाता था नेम्ड आफ्टर लॉर्ड हार्डिंस तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं सो चार्ल्स हार्डेंच ही सर्वड एज द वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम नाइनटीन हंड्रेड टेन टू नाइनटीन सिक्सटीन सो मैं ये भी इंश्योर कर रहा हूँ कि आपके प्रेलिम्स भी आपका रिवाइज होता जाए सो so,

वर्ल्ड वॉर वन के जो हीरोज uh, थे उनका नाम वहां पे लिखा गया था इंडिया गेट पे एंड देन द कैपिटल वॉज ऑल्सो शिफ्टेड फ्रॉम कलका टू न्यू डेली इन नाइनटीन इलेवन सो दीज आर आस्क अ क्वेश्चन दैट इन वॉज हेल्ड वो यहां पे पूछ सकते हैं आपसे तो करेक्ट आंसर इज आपका लॉर्ड हार्ड इंच की डेवलपमेंट्स है देन लेट्स ऑल्सो डिस्कस द डेली कॉन्स्परेसी केस जिसके बारे में मैंने अभी मैंशन करा भी था तो कॉन्स्पिरेसी केस इज ऑल्सो नोन डेली लाहौर दिस इन तो आपका किंग जॉर्ज फाइव आपके मैंने बताया था कि वो आपके आए थे ओकेजन ऑफ ट्रांसफरिंग द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम कैलकाता टू न्यू डेली सो नाइनटीन जीरो हंड्रेड टेन से नाइनटीन सिक्सटीन में आपके इंडिया में थे तो यह प्लान करा गया था कि लॉर्ड हार्डिज को करना है ऑन द ओकेजन ऑफ द ट्रांसफरिंग ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैपिटल टू फ्रॉम कैलकाटा टू न्यू डेली आप लोगों को शायद पता होगा कि दिल्ली की भी काफी रिच हिस्ट्री रही है हमेशा से वो कैपिटल नहीं रही थी मुगल्स के टाइम पे अकबर ने उन्हें आगरा शिफ्ट कर दिया गया था फिर बाद में उसके बाद वो कैपिटल दिल्ली बन गई थी देन फ्रॉम द रेवोल्यूशन ऑफ आई थिंक 1857 फिफ्टी सेवन ऑफिल आपका कैलकाटा वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया बट देन रेवोल्यूशनरी काफी सारी रेवोल्यूशन थी आपके कैलकटा में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो उसके कंटेक्स में कैलकटा से ऑपरेट करना मुश्किल हो गया था बिकॉज दैट बिग इन द हब ऑफ द रेवल्यूशनरी एक्टिविटीज बैकग्राउंड में उन्होंने सोचा लेट्स शिफ्ट बेस टू तो डेली की हिस्ट्री जो मॉडर्न कैपिटल है वो आपकी 1911, 1912 से हुई थी सो so इस बैकग्राउंड में लॉर्ड हार्डिज को असैसिनेट करने का प्लान करा गया था

हाथी था उसपे वहां पर जब वो पास करा था थ्रू चांदनी चौक तो उस टाइम पे एक बॉम्ब फेंका गया था वाइसरा के ऊपर बट इंजर्ड हुए थे बट ही एस्केप्ड एंड ही देन रूल्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टिल 1916 तो वहां पे अटेम्प्ट हुआ था उसके बाद उसका आफ्टर क्या हुआ था तो ये राज बिहारी बोस ने पूरी कॉन्स्पिरेसी पूरी अपनी इंप्लीमेंट करी थी उन्होंने पूरी कंसेप्चुलाइज करी थी इट इज ऑल्सो नोन एज डेली लाहौर कॉन्स्पिरेसी

तब उसके बाद भी इनको पता चल गया कि राजबिहारी बोस इनवॉल्वड है एंड देन ही फ्ल्यू टू जापान इन 1915 एंड देन ही सेटल्ड इन जापान आप लोगों को शायद पता होगा कि जो आईएनए की जो फॉर्मेशन थी वो तो सुभाष चंद्र बोस को तो मैं एट्रिब्यूट करते हैं बट अल्टीमेटली स्टार्ट राजबिहारी बोस ने करा कर था बट ही वाज टू ओल्ड तो उन्होंने कंसेप्चुलाइज करा था उन्होंने स्टार्ट करा था एंड देन ही गॉट मैरिड एंड स्टेड इन जापान बट जो कंसेप्चुलाइज करा था आई एन ए काम लाइक एज इस टाइम पे जस्टिस uh, नहीं कर पाएगी इस इनिशिएटिव इस को सो ही ऑल्सो अ रोल इन द आई एन ए राजबिहारी बोस के बारे में मैं बात कर रहा हूं सो ही प्लेड ये लॉर्ड हार्डेंटेक्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन है सो so फ्रेंड्स

एंड ही वॉज एसोसिएटेड विद ऑल दिस कंटेम्प्रेरीज लाइक बीकाजी गामा श्यामजी कृष्ण वर्मा वीर सर सवार पैरिस में इन्होंने बंदे मातरम का जो जर्नल था विच वॉज स्टार्टेड बाई भीकाजी गामा उसके एडिटर थे यू एस में भी उन्होंने ट्रेड यूनियन में इन्वॉल्व हुए थे सैन फ्रांसिस्को ब्रांच ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ वर्ल्ड उसके सेक्रेटरी थे एंड ही ऑल्सो प्ले अ की रोल इन बर्लिन कमेटी विच वॉज सेंट्रल टू दिंदू जर्मन कॉन्स्पेरेसी तो ये जो इस बर्लिन कमेटी को इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी भी कहा जाता है एंड हिंदू जर्मन कॉन्स्पेरेसी जो 1914 एंड 1917 के बीच में ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन करा गया था टू क्रिएट अ रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन विद द हेल्प ऑफ जर्मन सो ये यज आर द लिस्ट ऑफ की वर्क्स एट्रीब्यूटेड टू लाला हरदयाल जो की बुक्स उन्होंने जो ऑथर करी थी उसके कुछ नाम है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इज वन ऑफ द फेमस बुक बाय हिम सो इसका याद रखना मार्क्स मॉडर्न ऋषि एंड जो कल्चर रिलेटेड है आपके हिंदू सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदू रेस सो अगेन दे कैन आस्ट दैट वी आर सर सरवारकर ने लिखी थी या फिर लाला हरदयाल ने So, it is attributed to Lala Hardyal. so this can be asked. And then we discussed about Lord Hardinge who served from 1910 to 1916, and these are the key developments visit of King George V, Delhi-Rarbar of 1911 and the shifting of capital from Calcutta to New Delhi in 1911-1912, but the process it was initiated in 1911. So, these were the key developments happened during his tenure and Delhi Conspiracy is related to also known as Delhi-Lahore Conspiracy, it is related to assassination of Lord Hardinge and then this delhi conspiracy was executed by raj bihari bose who was also involved in the other conspiracy and who also played a key role in the formation of ina at the start. okay friends so with this we have also discussed some history i hope prelims so i hope you like it if you liked it then please press the like button share it and subscribe to the channel of aq bias and before ending the lecture i want to make important information uh, share some important information so the announcement is that uh, on 7th of july we are launching a fresh batch of uh, general studies <coughs> foundation batch under which 800 hours of classes will be provided including 80 hours of current affairs classes apart from that optionals will be provided for history geography Paul and socio and publi public administration so you can always reach to us if you have any query at these numbers and uh, this is the address you can also come to our office directly so friends this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. I hope you liked it. Bye.